बघणारा कोणी नाहीये म्हणून शेतीपासून ते सामाजिक कार्यापर्यंत तुम्ही आम्हाला मायेची पाखर करणारे तुम्ही आहात म्हणून मायेच्या पाखर करणाऱ्या माणसानं पक्षाचं नेतृत्व करावं अशी ह्या महाराष्ट्राची इच्छा आहे आणि म्हणून शरद पवार साहब जब तक इस दुनिया में है तब तक के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, ये हमारा फैसला है। पवार साहब ने खुद एक कमेटी नियुक्त की, लेकिन उस कमेटी को हमारी दरख्वास्त है कि पवार साहब का इस्तीफा नामंजूर होना, यही एक निर्णय ऊपर से नीचे आना चाहिए। आज जैसे हम बात करें, महाराष्ट्र के हजारों लाखों लोग अब मुंबई की तरफ निकले, पवार साहब के सामने हम हाथ जोड़ेंगे, सर पीटेंगे, लेकिन पवार साहब को अपना राजीनामा वापिस लेने के बोलेंगे। पवार साहब ने ये घोषणा की, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जिसको ये निर्णय मान्य है। पवार साहब से हम सब आग्रह कर रहे हैं, विनंती कर रहे हैं कि ये निर्णय वापस लिया जाए। नहीं, बहुत ही दुखी बात है, कोई भी कार्यकर्ता ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, ही कोई नेता एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। प्रफुल्ल भाई हो, चाहे हमारे अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब हो, चाहे अजीत दादा हो, सबने यही भावनाएं प्रकट की है। भुजबल साहब हो, उन्होंने यही कहा है कि पवार साहब ने ऐसा एकदम निर्णय जाहिर किया, ये हम लोग भी नहीं सह सकते और ना ही कार्यकर्ता सह सकता है। जैसे माँ बाप बदले नहीं जाते, वैसे राष्ट्रवादी के पितामह पवार साहब है और पवार साहब ही रहना चाहिए, ऐसा हमें सबको लगता है। और पवार साहब ने ये निर्णय, इसको स्थगित ही देनी चाहिए और थोड़ा सोच के बाद में वो फैसला ये करेंगे, लेकिन आज कार्यकर्ताओं की भावनाओं को उन्होंने उनका सम्मान करना चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।